हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें HTML के अंदर ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स का क्या यूज होता है। तो चलिए गाइस, इसको स्टार्ट करते हैं। एवरी HTML एलिमेंट हैज अ डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज। HTML के अंदर हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर उनकी एक डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू होती है, जो कि डिपेंड करती है हम कौन सा एलिमेंट को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्प्ले वैल्यूज सच एज ब्लॉक एंड इनलाइन। तो हमारे पास दो तरीके की यहाँ पर वैल्यूज अवेलेबल है HTML में, जो कि है ब्लॉक और एक इनलाइन लेवल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक लेवल से। अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक्स अप द फुल विड्थ। जो हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम टैग भी कह सकते हैं। जो हमारे टैग्स होते हैं ब्लॉक लेवल, वो हमारी ब्राउजर के अकॉर्डिंग फुल विड्थ का यूज करते हैं और हर बार एक न्यू लाइन से वो स्टार्ट होते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है डिव एलिमेंट। द डिव एलिमेंट इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिव क्या होता है। तो डिव को हम बोलते हैं डिवीजन। अगर आपको अपने वेब पेज को एक छोटे छोटे कंटेनर्स में डिवाइड करना है, तो उसके लिए हम डिव का यहाँ पर यूज करते हैं, जो कि हमारे आगे आने वाली वीडियोज में पूरा कंप्लीट बताया जाएगा आपको कि डिव यहाँ पर कितना यूजफुल है। एंड हेयर आर द ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स इन HTML। तो हमारे पास और काफी सारे ब्लॉक लेवल HTML है एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास div, देन उसके बाद हमारे पास एड्रेस, देन हमारे पास HR टैग, देन H1 से लेकर H6 टैग, जो कि हमारी हेडिंग टैग है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैराग्राफ्स, और इसमें काफी सारे टैग्स हैं। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। तो चलिए गाइस, इनको देख लेते कि होते क्या हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। An inline elements does not start on a new line and it only takes up as much width as necessary. Inline element जो हमारे होते हैं, वो हमारी full width को नहीं लेते हैं और वो next line से start भी नहीं होते हैं। ये मतलब आप समझ लीजिए कि block level elements का ये बिल्कुल reverse है, या मतलब इसके opposite है ये। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो width होती है inline element की, वो जितनी हमारे पास उसके अंदर हम एलिमेंट को प्रोवाइड करेंगे, वो उतना ही विड्थ को लेता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करते हैं कि हमारे वेब पेज के अकॉर्डिंग फुल विड्थ को ले लेते हैं, और जितनी बार भी आप उन टैग्स का यूज करोगे, तो वो हमारे नए लाइन पर शो होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास आता है एक स्पैन एलिमेंट। तो स्पैन टैग क्या करता है, अगर आपको कोई पैराग्राफ के साथ कोई आपका वर्ड रह गया है, या आपको कोई भी उसके साथ में उसके बिल्कुल एक अटैच करके कोई भी इमेज लगानी हो या कोई भी टेक्स्ट लिखना हो, तो आप इस स्पैन टैग का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारा एक इनलाइन एलिमेंट है, तो ये हमारी न्यू लाइन को यहाँ पर यूज नहीं करता है और ना ही हमारी फुल विड्थ को लेता है। और इसके अंदर भी हमारे पास काफ़ी सारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं, जो कि हमारे पास है एंकर टैग और बोल्ड टैग, इनपुट टैग और इमेज टैग। तो ये क्या करते हैं हमारे पास, ये भी हमारे सेम इनलाइन एलिमेंट है, जो कि हमारे न्यू लाइन और न्यू विड्थ का यूज नहीं करते हैं। तो चलिए गाइस, इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ डिव एलिमेंट, जो कि हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पर डिव टैग लिखूंगा और डिव टैग को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो मैंने यहाँ पर लिखा ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और ब्राउजर पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिव के रूप में यहाँ पर एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट आ चुका है। तो अब इसका डिफरेंस आपको कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले मैं इसमें यूज कर लेता हूँ एक स्टाइल एट्रीब्यूट, और स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यूज कर लेता हूँ, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ ब्लू। तो जैसे ही मैं ब्राउजर पर गया, मैंने रिफ्रेश करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर फुल विड्थ का यूज कर लिया है। मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लॉक लेवल एलिमेंट यहाँ पर बिल्कुल शो हो रहा है हमारे पास, और इसने हमारी फुल विड्थ को ले लिया है। मैं इसका यहाँ पर कलर चेंज एक बार कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर रेड कर दिया इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लॉक लेवल एलिमेंट रेड कलर का हो चुका है, और इसने हमारी फुल विड्थ ले चुका है। तो नेक्स्ट इसी के नीचे मैं इसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर बार एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है और ये फुल विड्थ ले लेता है, और यहाँ पर मैं इसका कलर दे देता हूँ येलो कलर।
तो मैं ब्राउजर पर गया, रिफ्रेश करा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यू लाइन से स्टार्ट हो चुका है और इसने भी यहाँ पर फुल विड्थ ले लिया है। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं एड्रेस टैग। तो एड्रेस टैग मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, बट इसके अंदर मुझे आपको बताना है कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्यों है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक एड्रेस टैग ले लेता हूँ और एड्रेस टैग के अंदर मैं एक एड्रेस लिख लेता हूँ। तो मैंने एक ऐसे एक एड्रेस ले लिया, पिन कोड मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं कुछ भी यहाँ पर एक पिन कोड डाल रहा हूँ रैंडमली, और लास्ट में मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ थैंक यू। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक एड्रेस लिख लिया है। तो मैं ब्राउजर पर गया, यहाँ पर रिफ्रेश करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा एड्रेस आ चुका है। अब इस एड्रेस के अंदर मैं यहाँ पर br टैग का यूज कर लेता हूँ, जो कि हमारा ब्रेक रो है। तो जैसे ये ब्रेक रो यहाँ पर यूज होएगा तो मेरा कंप्लीट एड्रेस की तरह यहाँ पर शो हो जाएगा। मैं तो ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्लीट एड्रेस की तरह शो हो रहा है। अब इसको यहाँ पर ब्लॉक लेवल एलिमेंट मेरे को शो कराना है, तो मैं यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर लेता हूँ और इसका भी यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ, एक्वा कलर मैंने यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया है। और ब्राउजर पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने भी यहाँ पर फुल विड्थ ले ली है और ये भी हमारा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। अगर मैं इसको आपको कॉपी करके दिखाऊं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि इसने न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ और इसने भी यहाँ पर फुल विड्थ ले ली है। तो चलिए गाइस, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ इसमें HR टैग। तो HR टैग के लिए मेरे को यहाँ पर एक HR टैग का यूज करना है, जो कि हमारा एक हॉरिजॉन्टल रो, इसको यहाँ पर क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं यहाँ पर एक स्टाइल एट्रीब्यूट से इसका एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ और बैकग्राउंड कलर मैं इसमें दे देता हूँ ऑरेंज कलर। तो मैं ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक रो मेरे पास आ चुकी है, एक रो मेरे पास आ चुकी है और ये भी हमारी फुल विड्थ की रो हो रही है। तो सॉरी गाइस, इसका मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं लेना है, एक्चुअली ये एक टेक्स्ट की फॉर्म है, तो इसमें मुझे कलर लेना है जो कि टेक्स्ट का है। मैं ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट हम इसमें हम चलते हैं H1 और H6 की तरफ। तो ये भी हमारे पास एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो मैं यहाँ पर H1 टैग लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसके अंदर एक एलिमेंट लिख लेता हूँ, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। तो मैं ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी H1 टैग आ चुकी है। मैं इसका जूम आउट थोड़ा कर देता हूँ। अब इसका मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ और बैकग्राउंड कलर मैं इसका दे देता हूँ ग्रीन कलर, मैं यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का बैकग्राउंड कलर दिया, तो आप देख सकते हैं इसने भी यहाँ पर फुल विड्थ ले ली है। तो ऐसे ही हमारा अगर हम H6 का यूज करें तो वो भी हमारी सेम वर्क करेगी। और इसको मैं यहां से कॉपी करके इसी के अंदर पेस्ट कर लेता हूं और इसका कलर मैं यहां से चेंज कर देता हूं, पिंक कलर मैं यहां पर यूज कर लेता हूं। ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा, तो आप यहां पर देख सकते हैं H6 भी हमारी ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर आती है क्योंकि इसने यहां पर फुल विड्थ ले ली है। नेक्स्ट हम चलते हैं पैराग्राफ टैग पे। तो पैराग्राफ टैग भी हमारा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो पैराग्राफ मैंने यहाँ पर लिखा और मैं यहाँ पर एक रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ, जो कि हमारी लॉरम इप्सम वेबसाइट है जो हमें डमी टेक्स्ट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर लॉरम इप्सम की हमारी वेबसाइट खुल चुकी है, इसके अंदर से मैं यहाँ पर एक डमी टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा और इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो मैं ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी हमारा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है क्योंकि इसने भी यहाँ पर फुल विड्थ ले लिया है। मैं इसका आपको कलर देके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर रेड। ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने यहाँ पर फुल विड्थ ले लिया। तो हमारे ये होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जो कि हमारी फुल विड्थ लेते हैं और एक हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होते हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं
इनलाइन एलिमेंट्स की तरफ। तो इनलाइन एलिमेंट्स के लिए हमारे पास सबसे पहला आता है हमारे पास स्पैन टैग। तो स्पैन टैग से पहले मैं यहां पर एक पैराग्राफ ले लेता हूं और पैराग्राफ के अंदर मैं लिख लेता हूं दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पैराग्राफ। यहां पर एक पैराग्राफ का मैंने एग्जाम्पल लिया, इसका मैं यहां पर एक कलर दे देता हूं जो कि बैकग्राउंड और एक्वा कलर मैंने यहां पर इसको प्रोवाइड कर दिया। ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आ चुका है यहां पर। अब मैं इसी के साथ स्पैन टैग का आपको यूज करके दिखाता हूं। मैंने आपको बताया था अगर आपको कोई भी चीज इसके साथ अटैच करनी है तो आप यहां पर इनलाइन एलिमेंट का यूज कर सकते हैं जो कि हमारा स्पैन टैग है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इनलाइन एलिमेंट, ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा तो आप यहां पर देख सकते हैं ये इसके साथ अटैच हो रखा है। यहां पर हमारी विड्थ खत्म हो चुकी है इसलिए यहां पर नीचे आ रहा है। तो मैं इसका कोई एक दूसरा एग्जांपल दे देता हूं, पैराग्राफ को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं और इसका मैं स्टाइल का कलर दे देता हूं, बैकग्राउंड कलर दे देता हूं। जो कि है रेड। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा स्पैन टैग है हमारा इनलाइन एलिमेंट है तो इसने यहां पर फुल विड्थ का यूज नहीं करा है। और अगर मैं इसको दोबारा से यहां पर कॉपी कर दूं और पेस्ट कर दूं तो ये मेरा उसी के साथ बिल्कुल अटैच होके आएगा क्योंकि हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। मैं इसका यहां पर कलर चेंज कर देता हूं। तो हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के अंदर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा फुल विड्थ लेता है और हमेशा वो न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। तो यहां पर ये फुल विड्थ नहीं लेता और ना ही इसने यहां पर न्यू लाइन का यूज करा है। तो नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं एंकर टैग पे। तो एंकर टैग का मैं यहां पर यूज कर लेता हूं और एक हेडर रेफरेंस दे देता हूं और इसके अंदर मैं लिख देता हूं न्यू लिंक। अब मैं इसके अंदर कोई लिंक प्रोवाइड करना नहीं चाहता तो मैं यहां पर सिर्फ हैश का यूज कर लेता हूं जो कि हमारा इनलाइन एलिमेंट। आप देख सकते हैं कि एंकर टैग हमारा इनलाइन एलिमेंट है तो इसने भी इसके साथ में इसको अटैच कर लिया है। तो ये हमारा डिफरेंस होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट का और इनलाइन एलिमेंट का। अगर हमें एक ही लाइन के अंदर या जब तक उसकी विड्थ हो उसमें स्पेस हो तो उसको हम उसके साथ अटैच कर सके तो ये हमारे हमारे पास है इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या करते हैं उनकी फुल विड्थ लेते हैं और वो न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर देख सकते हैं कि इनपुट टैग। तो इनपुट टैग से पहले मैं यहां पर आपको बोल्ड टैग दिखाता हूं। तो बोल्ड टैग भी हमारा इनलाइन यूज होता है। अगर ये ब्लॉक लेवल होता तो ये हमारे पास ही बोल्ड टैग यूज नहीं होता। तो बोल्ड टैग हमारा टेक्स्ट को सिर्फ बोल्ड करता है। तो यहां पर मैंने करा तो टेक्स्ट यहां पर बोल्ड हो गया। अगर ये ब्लॉक लेवल होता है तो ये नीचे से स्टार्ट होता। तो नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं इनपुट टैग। तो इनपुट टाइप में यहां पर दे देता हूं टेक्स्ट और ब्राउजर पर जाकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा इनपुट टाइप भी यहां पर इनलाइन है। तो इनलाइन से मतलब ये इसके साथ अटैच हो जाता है, मतलब एक लाइन के अंदर ये एलिमेंट यूज हो सकता है। ना तो इसने न्यू लाइन का यूज करा और ना ही इसने फुल विड्थ का यहां पर यूज करा। मैं इसको यहां पर दोबारा से कॉपी कर लेता हूं और एक और बार इसको पेस्ट कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसने दोबारा इसको यहीं पर ही अटैच करा क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट है, ये हमारा ब्लॉक क्रिएट नहीं करता। और इससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं कि हमारा जो लेबल टैग होता है इसका वो भी हमारा इनलाइन एलिमेंट है। तो मैं इस लेबल के अंदर एक आईडी दे देता हूं यूजर और इसके अंदर मैं आईडी दे देता हूं यूजर और यहां पर मैं लिख लेता हूं एक लेबल जो कि है यूजर नेम। तो मैं ब्राउजर पर जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं ये भी हमारा एक इनलाइन एलिमेंट है। तो नेक्स्ट इसमें चलते हैं हम इमेज टैग पर। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे इमेज टैग भी कैसा है इनलाइन एलिमेंट है। तो मैं यहां पर एक इमेज लगा लेता हूं और इमेज का यहां पर मैं सोर्स प्रोवाइड कर देता हूं। तो सोर्स मैं यहां पर ले लेता हूं पिक डॉट पीएनजी जो कि मेरे पास ऑलरेडी यहां पर पहले से सेव है। तो यहां पर मैं पिक डॉट पीएनजी लगा देता हूं, रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं ये भी एक इनलाइन एलिमेंट है। उसकी विड्थ इसलिए ज्यादा, उसकी हाइट है इसलिए उसने उसको नीचे कर दिया क्योंकि हमारे ब्लॉक इनलाइन
एलिमेंट्स हैं। तो ये इनलाइन एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपने साथ ही दूसरी चीज को अटैच करने के लिए हमारे पास यूज होते हैं। अगर आपको इनलाइन कोई भी एलिमेंट को यूज करना है या उसके साथ में इसको अटैच करना, तो ये हमारे इनलाइन एलिमेंट का यूज हो सकता है, क्योंकि इनकी खुद की कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो फुल विड्थ ले ले और न्यू लाइन का यूज कर ले। सो गाइज, आपने देखा कि कैसे हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज होते हैं और कैसे हमारे इनलाइन एलिमेंट यहां पर यूज होते हैं। सो थैंक यू गाइज।